आज हम आए हुए हैं दानिश भाई के यहाँ, और आज है 31 जुलाई 2021। जो दिल्ली के उत्तर पार्टी के सदर हैं, आज ही दानिश लाई हूँ, उनके यहाँ पर एक मीटिंग है। दिल्ली के तकरीबन सभी उस्ताद यहाँ मौजूद हैं, और एक अहम मसले पर कुछ मीटिंग बुलाई गई है। देखते हैं क्या फैसला होता है, किस मसले पर होती है मीटिंग। अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, जुड़े रहिए हमारे साथ। कितने दिन हो गए जी उसको? 2019 में दो साल कुछ महीने हो गए उसका जी। उसका मैं आपकी बात चल रही है, आखिरी में बनी थी ना तो हमें भी ये बैठा हुआ खलीफात ले लिया है उस्ताद को, वो दे दिया मान सम्मान। ये बैठा हुआ जितने खलीफात लिए, जितना ये मब्बा जितने बुरे से खलीफात ली थी उसकी बनी है, जिसने उस्तादी की पकड़ी बनी है ये खलीफात ली थी ना। तो मैंने उस लड़के से बुलाया, मैंने कहा लड़के तो आ रहा है तू कहाँ से आ गया? मैं दूसरे कह रहा हम उसके लिए हम से बुला रहे कहे भी हम इस प्रोग्राम से थे, कह अनिल क्या प्रोग्राम है प्रोग्राम बिल्कुल उसके कह रहे थे, कहते हमें जो मना तुमने भी करा था, मैंने कहा हमारा अनिल का प्रोग्राम है वहाँ जाएँगे वहाँ देखे। तो वहाँ जाकर पूछा मैं, कहता क्या चक्कर है डोरे जी उस ये उसका उस्ताद का लड़का है और ये पकड़ी और ये उस्ताद वगैरह है। फेसबुक पे भी उस्ताद अनिल सूद के नाम से डली हुई वीडियो। हाँ तो उसके घर के पास है ना, वहाँ प्रोग्राम है वहाँ उस्ताद इसी के सामने आगरे में पगड़ी बंदी क्यों नहीं बोला खलीफात लिए उस वहाँ पे उस प्रोग्राम में कपड़े वपड़े दे रही है उस्ताद को भूरे को ये सम्मान दे रही है इसको खलीफात मिली है उस्ताद ने जो उस्ताद बोला की पगड़ी ली थी उस प्रोग्राम में ये खलीफात एक दो और ये मान सम्मान दे रहा है भूरे उस्ताद को जी। अब अगर उसने जो कुछ करा गलत है या ठीक है अच्छा हमने क्या थे? अब उससे पूछना चाहिए बुला गया भाई ये तुरंत जो किया गलत है ठीक है क्यों कर रहा था। अच्छा उस्ताद जी एक मिनट आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, सुनो जरा मेरी बात। कल आप भी थे हम सबसे जितने उस्ताद हैं जरा सुन लो भाई उस्ताद जी सुन लो सर हम भी थे वहाँ पे। उस्ताद नदीम ने जब बुलाया था सबको कि भाई मेरे साथ उस्ताद अख्तर ने मारपीट करी है सुन लीजिए, ना आपने ना मैंने ना किसी उस्ताद ने ये कहा कि उस्ताद अख्तर को बुलाओ उनसे तहकीकात करेंगे कि आपने मारपीट करी है, किसी ने नहीं किया, इलाची बंद कर दी है ना। तो आज उस्ताद हम उस्ताद मुख्तार को कैसे बुलावा दे देते हैं, तो उससे बड़ा काम है। मैं वो तो मारपीट हुई थी उस्ताद नदीम कह रहे थे उन्होंने, वो कह रहे थे मैंने निमारा कसम खाने को तैयार, ये तो इससे बड़ा उस आगरे की नाक था वो उस्ताद उस्ताद होला जो सबने। और उस्ताद जी उस्ताद होला की पकड़ी आगरे की एक छोटी सी बहुत बच्चों में इसी मेरी बात सुन लो, उस्ताद होला की आगरे की नामचीन पकड़ी है उनकी तालीम का उसमें कोई खलीफा था जो पकड़ी बांधी किसी ने कोई भाई तालीम है उस्ताद होला की आगरे की नाम ही पकड़ी थी उस्ताद जी। अगर उस्ताद मुख्तार ने ठीक करा था तो उनका कोई खलीफा था उसके अंदर
पहली बात तो उस्ताद होला का लड़का ही नहीं है वो भी। अच्छा नवासा था वो उनसे पहले ही गुजर गया। अच्छा चलो दूसरी बात ये आज इनके पास क्या पदवी आ रही सूद के पास है ना मुख्तार के पास जो उनको उस्ताद जी को दे रहे ये बात यही तो बात है यही तो हो रही है आगरे में हुई थी दो साल पहले अगर ये प्रोग्राम हुआ था उस्ताद होले की पगड़ी का जो प्याला हुआ था उसके अंदर वो भी शरीक थे भाई बब्बे और उस वक्त इनको वहाँ पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए था जब नहीं कर पाए तो दो साल में किसी दिन भी तो करते दो साल के बाद ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रहा की होला की पगड़ी गलत बंदी है आगरे में। आपको एक बात और बता दूँ आपको काल में भी होगी जो आज वो उस्ताजी मिली है उनको कल जो उस्ताजी मिली है दी है किसने दी है उनकी तालीम तो दी नहीं। अब मैन चीज़ ये पूछूँ मैं उसने किसी को चार आदमी को झूठा मुंह करवाया पहले उसको खलीगुरी मिली है खलीगुरी कहाँ मिली उसको मैदान के अंदर आगरे के अंदर आगरे में दिल्ली में उसको खलीगुरी भी नहीं मिली है और आप उसको उस्ताजी दे रहे हैं किस बात की उस्ताजी दे रहे हैं आप मुझे इसका जवाब सही बात है। एक उस्तादी एक चीज़ और मैं याद दिला दूं आप सब उस्तादों को जो पहले प्रोग्राम एक हुआ था उस्ताद अख्तर उस्ताद नदीम का इसी हॉल के अंदर आप सब मौजूद थे एक बात तय हुई थी कि आइंदा से कोई उस्ताद की कोई पगड़ी दो चार लोग मिलकर नहीं बांध सके दिल्ली के सारे उस्ताद तकरीबन हो गए 25 थी ये बात तय हुई थी। फिर ये बात क्यों हो गई कि फिर दो चार लोगों ने मिलकर बांध दी। अच्छा देखो उस्ताद क्या कह रहे हैं बात सुनो उस्ताद क्या कह रहे हैं मुझसे ये किया अनिल के प्रोग्राम है ना। अच्छा भैया उस्ताद आपको क्या क्या के बुलाया था आपको क्या क्या इधर 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 जोर से थोड़ा सा सुनो एक मिनट अनिल मुख्तियार वो डेढ़ बजे आया मेरे पास मेरे उस्ताद खैरियत पहली दफ़ा ज़िंदगी में आया हो सब ठीक ठाक तो है कहना उस्ताद सब बढ़िया है अनिल उस्तादी शागिर्दी कर रही है अपने वहीं गरीबे में वहीं धर्मशाला में और ऐसा है देखो एक भतीजा आपका ये आपके काम में रहता परिवार की बात है आपको जरूर आना बताइए जी उस्ताद जी ये अल्फाज है मतलब किसी से ये नहीं किया कि होला उस्ताद की पकड़ी दी जा रही है नहीं जी हमसे भी नहीं किया नहीं तो देखो जी उन्होंने इतना पैसा बुलाया रहा हमारे जैसे यारे छोटे बड़ों को सबको बुलाया है अब इस बात का हल निकालो इनके साथ में करें क्या दो आदमियों को साथ वही तो बुलाया है जो उस्ताद अख्तर के साथ हम ना कोई बुलाएगा हम जितने भी उस्ताद आए हैं यहाँ पे आज से उनकी इलायची बंद है दिल्ली शहर में ये जो पगड़ी बनी है उनके उस्ताद हो लगी इस पगड़ी को मान्यता दोगे थोड़ा सा या नहीं दोगे इस पगड़ी को मान्यता नहीं दी जाएगी क्योंकि ये पगड़ी आगरे में बन चुकी आज उस्ताद जी इस पगड़ी को मान्यता दोगे होला वाली को ये उस्ताजी आपका क्या कहना है ये जो फैसला हो रहा है कम कहो तो सही भाई खड़े होके सही गलत कहो यार कह दो या तो कह दो सही थी मैं इंटरव्यू दूंगा भाई हाँ पूरा पूरा जी बताइए बिल्कुल दो नहीं नहीं मुखालफत कौन कर रहा है तुमसे ये गलत वो लोग हैं जो बुलाने से वहाँ जाके बैठते हैं और सारा अब स्वागत कराने के बाद खाना पीना खाने के बाद बाहर आन के जहर उगलते हैं। अच्छा ये जो कह रहा है जाना नहीं ये जो कह रहा है आप सुनो आजी मेरी बात सुनो इनकी भी मेरे सामने सारा काम कराया है। अच्छा काम कराया है मेरे सामने अच्छा मैं मौजूद हूँ वीडियो बता देगा क्या गलत बात क्या गलत बात मत करो मेरी बात सुनो मैं भी शामिल मैंने क्या करा सुन तो
कोई बात आप अपनी बात रखिए। पगड़ी सही थी जो बंदी है, मेरी बात सुनो उस्ताद जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ही बुलाया था। मैं जवाब दे रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। उन्होंने वो एक दो महीने से यहाँ फिर रहा था दिल्ली के अंदर, बार बार उस्ताद ओला का बेटा, के मैं उस्ताद ओला का बेटा हूँ। 15 दिन से मेरे को फोन करे उनने, बब्बी ने भी और उन्होंने भी, बब्बी ने के जी उस्ताद ओला के बेटा बब्बे चल रही है कि मैं ये मेरे पगड़ी बांधना चाहते हैं और मैं इनका पुराना खरीफा हूँ। अच्छा, मैंने कहा भाई ना मैंने जिंदगी में पगड़ी बनवाई है ना मैं बनवाता, मैंने मेरे बस के लिए काम तो और कहीं करा। दिनेश चौधरी से गए और वहाँ के उस्ताद सको उसको खींच के आना हो और यहाँ दोबारा मीटिंग हो इसी तरह जिस तरह है, और उसको यहाँ वो अपने मुंह से गलत करके जाएगा जी मैं नाजायज तो आगे मैं नाजायज पकड़ी देखिएगा। बिल्कुल चाहिए एक बात, तो हमारे उस्ताद लोगों ने बताया 2 साल पहले कि आगरे में पगड़ी बंदी ना, सुन लीजिए मुझे सब पता भाई, तो आप सुन तो लो है ना, मैं मान रहा हूँ आपको उस्ताद क्यों नहीं बोला, उस वक्त इनने क्यों नहीं रोकी उसको, वो आपने नहीं कहा, मैंने सुनो मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने उससे क्या वही ये जो पगड़ी पहले बन चुकी वो बोला जी मैं सोलाने में औलाद हूँ उनकी उस्ताद औला की और मैं अपनी उनकी औलाद बांध रहा हूँ, पगड़ी कोई और नहीं बांधता जी, वो दूसरा दिल्ली वालों को देखे आगरे वालों से हमारा कोई मतलब नहीं है। सुनो एक बात, हमने आपके जैसे हमारा आपका हमारा मनमुटाव था, इसी घर में सुन तो लो, इसी घर में मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद उसमें आप भी थे मैं भी थे, खैर से अल्लाह रखे सारे उस्ताद थे, क्या कहा कि जो अब जो पगड़ी जो काम पहले होना था खूब हो गया, ठीक है, आप भी देना उसके अंदर, और अब जो पगड़ी बनेगी उसके अंदर 75% उस्ताद होंगे, जैसे 40 उस्ताद जी 25 या 30, ठीक है ना, अब उसके बाद फिर ये गलती क्यों, ऐसी तो थी लेकिन इसको पता लगा होनी है। हाँ बिल्कुल जायज़, ये बात आपकी 16 ने और वीडियो में छोड़ा दिया, वीडियो में निकला हुआ उस्ताद जी, ना हम किसी आगरे वाले की सफाई चाहते हैं ना किसी की सफाई चाहते हैं, जो उन्होंने गलत काम करा है उसकी उनको सजा मिलनी चाहिए। जितने भी उस्ताद आए हैं यहाँ पे माशाल्लाह और 38 उस्तादों का ये कहना है कल जो एक बात हुई थी अख्तर और उस्ताद नदीम के साथ, उस्ताद नदीम ने यह कहा था कि भाई मेरे साथ बदतमीजी गई मारपीट गई, तो सारे उस्तादों ने मिलकर उस्ताद अख्तर को बुलाया नहीं था, सफाई नहीं हुई थी उनसे, बुला के उनसे मालूम करते कि भाई ऐसा हुआ नहीं करा, इलाची बंद कर दी। तो आज लोग कह रहे हैं उस्ताद मुख्तार को क्यों नहीं बुलाया, जब कल ऐसा हुआ मालूमात नहीं की तो हम क्यों बुलाते। आज सारे उस्तादों का फैसला क्या है जी, जो कल अख्तर साहब के साथ हुआ था उनके साथ होना चाहिए या नहीं, तो अभी उन दोनों उस्तादों की इलाची आज बंद होती है सब उस्तादों के। एक मिनट, उस्ताद मुख्तार उस्ताद अनिल इन दोनों की इलाची बंद, उनसे कोई दौड़ भगाएगा ना इनको बुलाएगा कोई जाएगा, देखो जी सदर साहब लोगों को बहुत शोक दराज है, अभी तो इनका हम कह रहे हैं क्यों बनाया जा रही है, क्यों हमारे उस्ताद इरफान मीर साहब बहुत बीमार है, जिनका यह है कि अल्लाह चाहे तो अभी एक मिनट में उनको तंदुरुस्त कर दे, लेकिन हालात देखते हुए यह है कि अभी कुछ हिसाब नहीं है, तो उन्होंने जिम्मेदारी दानिश भाई को सौंपी है, तो हम जो अगर सदर का शब्द मालूम करेंगे और बोलेंगे तो दानिश भाई को नहीं दे रहा है, उस्ताद इरफान को दे रहा है बस। उस्ताद अगर यहाँ आज वो मौजूद होते हैं अल्लाह रखे वो तंदुरुस्त अल्लाह में देते तो मेरा ख्याल है कोई मना नहीं करता उन्हें, मुझे है ना, तो कल अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती दे दे तो इस सीट पे वही बैठेंगे दानिश भाई, उन्हीं को बिठाएंगे, सिरा अब वो बीमार है इसलिए अच्छा दानिश भाई है। अब यहाँ ये हुआ सब उस्ताद सबकी सहमति से होगा कि ये जो उल्टी सीधी पगड़ियाँ बन रही हैं इसके 4 मेंबर बनाए जाएं बड़े, समझे, पहला नंबर एक मिनट दानिश भाई हैं, क्या समझे उस्ताद पाले हमारे, फिर हमने उस्ताद पाले से पाले है, ठीक है ना, और दो आदमी और दो आदमी आप चुन लो, अब दो आदमियों का ये था, सुन लो चुनना चाहो आप, आपको कमेटी बनाई जाए जैसे है 5 कम से कम 5 उस्तादों को, मैं वो ही 4 हो गए, 4 आज ही हो जाएगा ये काम, सब आज हो जाएगा, टेंशन आज तारीख 31/7/2021 को एक मीटिंग दिल्ली के सभी उस्तादों के बीच हाजी दानिश इलाही के यहाँ हुई, जिसकी सदारत जनाब उस्ताद इरफान मीर की जगह हाजी दानिश इलाही ने की।
से पहले हाजी दानिश इलाही के यहाँ सभी उस्तादों ने इस बात पर रजामंदी दी थी कि आज के बाद दिल्ली में कोई भी उस्तादी की पगड़ी दो चार उस्तादों के बीच में नहीं बनेगी, कम से कम 25-30 उस्तादों का होना ज़रूरी है। लेकिन हाल ही में एक उस्तादी का प्रोग्राम उस्ताद अनिल सूद और उस्ताद मुख्तार की सरपरस्ती में उस्ताद अनिल सूद के घर पर हुआ, जो पगड़ी मरहूम उस्ताद होला की 2 साल पहले उस्ताद बुरे उर्फ पप्पू आगरा को बांध दी गई थी 15/5/2019 को। आगरा के उस्तादों का ये ऑपरेशन था कि जो पगड़ी पहले बन चुकी है वो 2 साल बाद दिल्ली में कैसे बन रही है, लेकिन वही पगड़ी उस्ताद मुख्तार और उस्ताद अनिल सूद ने मालकागंज के बब्बे भाई को बांधी, जो कि गलत है। दिल्ली के कुछ उस्तादों को झूठ बोलकर बुलाया कि उस्ताद अनिल सूद उस्तादी शागिर्दी का प्रोग्राम कर रहे हैं। लिहाजा आज 31/7/2021 को दिल्ली के 40 उस्तादों के सिग्नेचर के साथ सहमति से ये फैसला हुआ कि आज उस्ताद अनिल सूद और उस्ताद मुख्तार की इलायची बंद कर दी जाती है और ये पगड़ी उस्ताद होला की दिल्ली में मान्य नहीं है, जो बब्बे भाई मलकागंज वालों को बांधी है। जिस तरह उस्ताद अख्तर की इलायची बंद हुई थी इसी तरह है। और बाकी बच्चों सुनो, ठीक है जी, आज यहाँ मौजूद हैं सभी उस्तादों की सहमति से एक फैसला और हुआ है कि एक कमेटी का क्याम हुआ है, दिल्ली कबूतरबाजी एसोसिएशन, ये जो भी नाम मुंतखब होगा उसकी डॉक्यूमेंटेशन बाद में जाएगी, उसके अंदर 5 नाम का इंतखा हुआ, 5 नाम सिलेक्ट हुए जो कि दिल्ली के कबूतरबाजी के 5 अध्यक्ष रहेंगे। कोई भी फैसला अगर दिल्ली के अंदर होता है तो इन 5 लोगों की सहमति का होना बहुत ज़रूरी है, अगर किसी के पास उसकी सहमति नहीं है तो वो प्रोग्राम मान्य नहीं होगा। उसमें सबसे पहला नाम है उस्ताद पाले, हमारे तो बहुत सीनियर, जोरदार तालियां उस्ताद पाले, उस्ताद पाले पहाड़ी धीरज से, उस्ताद इरफान मीर उनकी जगह पर हाजी दानिश इलाही होंगे, उस्ताद अकबर पहाड़ी छतरी कंवर से हैं, उस्ताद लाल ओखला से और उस्ताद पप्पी मॉडल टाउन से, ये 5 जोरदार तालियों से स्वागत है। आज इसके बाद कोई ये बात मेरे ख्याल में नहीं आनी चाहिए कि अब इनको किसने सदर बनाया, अब ये सभी 40 उस्ताद यहाँ मौजूद हैं, साइन है सबके, सबकी सहमति से ये 5 लोगों को जो है दिल्ली की कमेटी बनता है। पहले इन 5ों से मोर लगवाएगा, उसके बाद वो वेरीफाई करनी होगी। और सारे उस्ताद सुन लो कि भाई मैं भूल में चला गया था, मैं ऐसे चला गया था, आज के बाद मत जाना, आज जो गलती करी करती उस्ताद एक हुआ और करो भाई। और एक बात उस्ताद जी सुनो कि जो शागिर्द किसी का टूटता है वो तुम ही कायम नहीं करूंगा, जो तुम्हारे पहले पीटी हो चुकी है तो कोई भी टूटा हुआ शागिर्द नहीं करेगा, इसलिए कोई किसी का नहीं करेगा, क्योंकि उस्ताद पर जो है ये डर रहा है बहुत बिचारे। किसी की भी पगड़ी, जैसे कोई भी पगड़ी हो उसके घर वाले ही बांधे, कोई भी पगड़ी जैसे कोई मर के दुनिया से चला गया उसके घर वाले बांधे, उसकी बीवी हो बेटे हो कोई भी, ये नहीं अपने घर में आके बैठ के पगड़ी बांध ले, वो मानता में नहीं हो, उसके घर वाला का होना जरूरी है।